जय सियाराम जी। मैं पंडित विंद्य प्रकाश पांडे, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शिरोमणि, अंक विद्या शास्त्री, स्वागत करता हूं आपका कुंडली टीवी के कार्यक्रम आज का राशिफल में। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शारीरिक तौर पर थोड़े कमजोर रह सकते हैं, लेकिन गुप्त तरीकों से धन हासिल करने में आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी और क्षेत्र में आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, जिससे आपको सुकून मिलेगा। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वृष राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छे लाभ होने का योग है। आप अपने साझेदार के साथ अच्छे व्यवहार के कारण अपने व्यापार को नई गति देंगे। आप दोनों का निर्णय कोई बड़ा काम करेगा। जीवन साथी को परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, जिसका आपको भी अप्रत्याशित फायदा पहुंचेगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने मन को काबू में रखना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। अपने मन में चल रही बातों को अपने प्रिय को बताना आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव के बावजूद प्यार रहेगा। मिथुन राशि वाले आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। आज काम के सिलसिले में भी आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में आपका दिन अनुकूल रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। मातृपक्ष के लोगों से प्रॉपर्टी से संबंधित बात का कुछ समाधान निकल सकता है। प्रेमी जीवन जी रहे लोगों को आज अनुकूल परिणाम मिलेंगे और अपने प्रिय के साथ में वो खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों को कुछ तनाव मिलेगा, लेकिन उनके रिश्ते में मजबूती रहेगी और जीवन साथी से पारिवारिक विचार विमर्श वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य में आपका काफी मन लगेगा। कर्क राशि वाले आपके लिए आज का पिछले दिन के मुकाबले दिन बेहतर है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। साफ और शुद्ध पानी पिए, अन्यथा जल से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। जीवन साथी गुस्से में हो सकता है और किसी बात को मनवाने के लिए अड़ भी सकता है। नौकरी के सिलसिले में दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, ध्यान रखें। सिंह राशि वाले आपके लिए आज का दिन बेहतर तरीके से गुजरेगा। अपने किसी रुचि को आज लोगों के सामने आप लेके आएंगे, जिससे लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी और धन का कोई अच्छा जरिया हासिल हो सकता है। मित्र और प्रियजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इससे बचें। दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा समय रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, विरोधियों पर आप हावी रहेंगे और नौकरी में भी अच्छे समय की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। परिवार और काम को लेकर चली आ रही परेशानियों में कुछ कमी होगी, फिर भी आपको अपने काम पर और परिवार पर दोनों में तालमेल बनाकर रखना है, नहीं तो एक का नकारात्मक प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है। अपने काम पर पूरा ध्यान दें और अपने बॉस की नज़रों में बेहतर प्रदर्शन करें। परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके मामलों को समझें। पारिवारिक मुद्दों पर ध्यान दें। किसी यात्रा के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। प्रेम जीवन में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, अटका हुआ धन मिल सकता है। तुला राशि, आज आप किसी यात्रा पर जाने के योग बनवाएंगे, आपके योग बनते हैं। हालांकि यात्रा में कुछ असुविधा हो सकती है। आपके घर के छोटे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है, वहीं आप अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल सकते हैं जिससे परिवार में तनाव का माहौल बनेगा, इसलिए सावधान रहें। माता पिता के आशीर्वाद से काम में सफलता मिलेगी, उनका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा। प्रेम जीवन में
आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आपका प्रिय आपके साथ रहेगा और आपके साथ वक्त भी बिताएगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव के बावजूद भी स्थितियां बेहतर रहेंगी और जीवन साथी अपनी ओर से रिश्ता निभाने का पूरा प्रयास भी करेगा। कार्यक्षेत्र में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। वृश्चिक राशि, अपने खान पान पर अगर आप ध्यान नहीं देते तो आज आप बीमार पड़ेंगे। घर में सुख सुविधाएं रहेंगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा और आप हर काम को मजबूती से निभाएंगे। आपको गाड़ी चलाने से आज बचना चाहिए, क्योंकि कोई अप्रिय घटना हो सकती है। प्रेम जीवन